यह थाने पर होली रमजान को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया। डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगा थाने के प्रांगण में थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह और प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर की संयुक्त अध्यक्षता में होली और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक किया गया है। इसमें बताया गया कि आसन लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए होली पर मनाया जाए। किसी भी व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती रंग अबीर नहीं लगाना है, अश्लील गीत नहीं बजाना है, साथ ही शराब कानून को सख्ती से पालन करना है। डीजे पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध है, डीजे नहीं बजाना है। बैठक में अपर थानाध्यक्ष दीप शिखा, प्रखंड प्रमुख बिरजू साह, वार्ड पार्षद निरंजन सिंह, रामचंद्र प्रधान, कंचन सिंह, मिथिलेश सिंह, मुखिया अशोक पासवान, पुलिस मित्र शशिभूषण झा, त्रिपुरारी झा के अलावा अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। और सभी लोगों ने निकल से हम लोग जितने लोग पहुंचते हैं खास करके इस बैठक में, निश्चित रूप से प्रयास सभी लोगों का रहता है कि हमारे क्षेत्र अंतर्गत जितने भी समस्या है उसका निदान हम लोग से करें। लगभग इतने ही लोग करते भी हैं, इसलिए शांति समिति की बैठक में बुलाने का कारण भी यही होता है। ग्रामाध्यक्ष महोदय अपने भरसक प्रयास करते हैं हमें सारे पर्व को मनाई जाए, ताकि हमारे थाना क्षेत्र तक जीवित नहीं कम शिकायतें हो वो इनके मनोबल को ऊपर उठाता है। आज इस अवसर पर सभी को मैं प्रखंड प्रमुख की ओर से तमाम प्रखंड वासियों को रमजान एवं होली के शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, तो भाई नंदन झा ने बताया था एक बात, सभी लोग अपने अपने बच्चों को अपने अपने घर के आस पड़ोस के लोगों को अगर समझा के रखें तो निश्चित रूप से ऑफरेंस नहीं है। हम लोगों को बदलना होगा, हम समाज को बदलेंगे। थाना या सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती, थाना कितने लोग कितने जगह जाएंगे, इधर बुलाएंगे उधर होगा, उधर बुलाएंगे उधर हो जाएगा, इसलिए थाना के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते। हम लोग समाज के परिवर्तन करने में हम लोगों का दायित्व है और हम लोग इस पर पहल करके निश्चित रूप से आगे बढ़ के इसको लोगों को समझावे बुझावे और सभी लोग एक दूसरे को इस बात पर अगर अमल करके लोगों को समझावे। आज होली का अवसर है, शराब दारू की बात हमेशा चलती है, सही बात है, कहीं ना कहीं से आयात होता है या बनता है, लोग पीते भी हैं। और नशा एक प्रकार से शराब ही नहीं, नशा तो बहुत प्रकार के होते हैं, बताया हमने नशा बहुत सारे कोई होते हैं, लेकिन शराब उसमें कुछ अहम भूमिका निभाती है ऑपरेशन करने में। अगर हम तमाम लोग प्रशासन का मदद करें, सरकार की नीतियों का पालन करें, निश्चित रूप से ये अच्छा चीज़ है। सरकार ने जो पहल की थी वो अच्छी चीज़ है। जो लोग नहीं पीते हैं उन लोग के निश्चित रूप से अच्छे मानते हैं, तो हमेशा ही सरकार का भी विरोध करते हैं और थाना को भी एक दोषारोपण करते हैं। और इस शुभकामनाओं के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, मैं विद्या जी के बातों का समर्थन करता हूँ कि कहीं ना कहीं से सरकार की नीति में गलती है और पुलिस भी क्या कर सकती है। हम आज 1.25 लाख की आबादी है सिंगा प्रखंड, और यहाँ पे 20 पुलिस वाले हैं, 25 पुलिस वाले हैं, हर घर हर टोले में हर गांव तक भी नहीं पहुंच पाते। ये जवाबदेही समाज की बनती है, जवाबदेही हम आप समाज लेना छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर कोई गार्जियन किसी के बच्चे को गलत करते हुए देखता है और अगर जाता है कहने के लिए, तो उसका गार्जियन कहने वाले को ही गलत साबित कर रहा है। इसीलिए लोग अब ये मनसा बना लिए हैं कि चलो फलाने का बेटा कुछ कर रहा है तो मैं देखा भी तो मैंने नहीं देखा। हम लोग भी उस उम्र से गुजरे हैं जब चौक पे हम लोग देखते थे कि पिताजी खड़े हैं, चाचा जी खड़े हैं, फलाने बाबा खड़े हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग चौक होके नहीं निकलते थे। आज के डेट में 15 वर्ष का 16 वर्ष का लड़का अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्या उसके परिवार को नहीं पता? शराब शराब शराब, मैं तो कहता हूँ सैकड़ों लड़का सिंगिया नगर पंचायत में ऐसा है जो सुई लेता है, जिसके बदन में इतनी छेद हो गया है कि हाथ में सुई काम नहीं कर रहा है, पैर के नस में सुई दे रहा है, पैर के नस में सुई दे रहा है, सुलेशन सूंघता है, सुलेशन सूंघता है साहब।
सुलेशन बैंड है, कहाँ कहाँ पुलिस है? जब तक हम अपने बच्चों पर ख्याल नहीं रखेंगे, गार्जियन जब अपने बच्चों पर ख्याल नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा गलत करेगा ही, और एक ना एक दिन उसकी प्रवृत्ति बन जाएगी, करते करते वो बहुत बड़ा घटना भी कर सकता है, यही इसका परिणाम है। इसीलिए सारी कुछ पुलिस का तो एक प्रोटोकॉल कि सरकार जो विधि व्यवस्था को साथ में लेकर चलना, उनके प्रोटोकॉल सरकार जो आदेशित करती है जो प्रोटोकॉल उसको मेंटेन करें। तो निश्चित रूप से ये तो है कि भाई अभी आचार संहिता है, डीजे नहीं बजनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम आप अगर सफलता से डीजे बजा रहे हैं, कहीं इंजॉय कर रहे हैं तो पुलिस को वैमनस्यता भी नहीं है। आप लोगों पदाधिकारी की तरफ से भी बहुत सारा सुझाव आया, इसमें तो निश्चित तौर पर याद किया जाएगा मंडल जी का, तो जिससे पदाधिकारी हुआ करते थे। शराब के मामले में हुआ बहुत सख्त थे, बार बार की जो व्यवस्था उसमें चलते थे कोई बात नहीं है, लेकिन इस मामले को बहुत सख्त थे। अभी होली का माहौल है, हम लोग सिर्फ यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या आम लोग हों, सिर्फ हम लोग तय कर ले कि होली में शराब नहीं बिकना है, नहीं पीना है, तो हम पूछते हैं कि 50% प्रतिबंध लग जाएगा, बिकेगा और क्वेश्चन को पता चल जाए कि जनरल रंजन सिंह के यहाँ व्यवस्था चल रहा है, तो यहाँ नहीं जा क्या कोनो मल्ला के यहाँ गरीब आदमी क्या होगा, तो बराबर पर जब दबाव बनेगा व्यवस्था बदल जाएगी। हम बोल दें, प्रधान जी बोल दें और लोग जो भी बोल दें कि प्रतिबंध हो जाना चाहिए, सब नियम के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए, इससे होने जाने वाला नहीं है। जब तक कि प्रबुद्ध नागरिक इस पर ध्यान नहीं देगा, और दर में कोई नहीं, डीजे से कहीं समस्या उत्पन्न नहीं होता है, साउंड बॉक्स से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता है, अगली गाना जो जे बजता है अजय के मोबाइल पर है, जो जे बजता है पूरा सुना सुना के बजा रहा, उसका बाप उसको मने नहीं कर रहा है, नहीं अरे उसका राज्य मने नहीं कर रहा है, तो हमारे आपके कारण उससे नहीं होता समस्या है, चाहे वो आम खा के करे, ताली पी के करे, दारू पी के करे, यही समस्या का जो है जो सबसे कारण है धंधा का, चाहे जिस भी समुदाय का आप कहेगा होगी क्या बोलते हैं का क्या बोलते मोहर्रम जो होता है मोहर्रम उस लगाना है, लिंगा का मैंने व्यापार प्रयोग उनसे प्रतिबंधित है, कोई भी अगर ऐसा चीज होता है तो तत्काल सूचना दे, उसमें निर्वाचन के सुसंगत धारा में भी कार्रवाई होगा और उसका अधिनियम के धारा में उसमें भी होगा। फिर विवादित स्तर पर होलिका दहन न करें, आचार संहिता का निर्देश होगा, होली मिलन हो, इफ्तार की पार्टी हो, धार्मिक समारोह होना चाहिए, कोई राजनीतिक दल का या पार्टी का प्रमोशन उसमें या प्रत्याशी का प्रमोशन उसका होस्ट नहीं होना चाहिए, उसका सूचना भी पूर्व में आप लोग जो भी अगर वैसा रख रहे हैं तो उसके लिए सूचना आप थाना में अंचल में अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। लाउड स्पीकर की अनुमति के लिए जैसा कि हमेशा के लिए ये है अनुमंडल पदाधिकारी में उसका परमिशन देंगे, और लाउड स्पीकर जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रात को नहीं बजेगा सुबह 6 बजे तक 10 बजे से, ये उसका मेन गाइडलाइन यही है, जबरदस्ती रंग नहीं लगा रहा, सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ना है, ये मेन इसका आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए त्यौहार को मनाना है और शांतिपूर्ण। कोई व्यक्ति अगर नहीं खेलना चाहता है, उसको किचड़ नहीं चाहता है तो उसको नहीं फेंके, और ये फेंकने से होता है एक दूसरे में झगड़ा होता है, फिर मारपीट की घटना होती है, फिर हम लोग को भी रफ करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम होली नहीं खेलेंगे, चाहे कोई वाहन से जा रहा है मोटरसाइकिल को जबरदस्ती लोग फेंकता है, तो वो भागने में क्या करता है कि अपनी गाड़ी स्पीड बढ़ा लेता है और कहीं दुर्घटना कर जाएगा, तो इस सब बातों पर सभी लोग ध्यान रखें और अपने आस पास के लोगों को अवगत कराएं इसकी जानकारी। मेन देखिए दो इसमें झगड़ा का समय होता है, एक होलिका दहन के समय कोई गरीब आदमी है, कोई दूसरे संप्रदाय का है उसका चौकी उठा के डाल देगा, झोपड़ी का कोई सामान एगो विवाद करने के कारण हो गया है, दूसरा रंग खेलने या उसके लिए जो नहीं खेलना चाहता है या दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति अगर इच्छुक नहीं है उसकी महिलाओं पर या उस पर जबरदस्ती रंग लगाए, विवाद का दो चीज़ का वही शुरुआत होता है, अगर किसी में शुरुआत होता है तो बच्चे का झगड़ा बड़ों का रूप न ले लें, उसको पहले से ही आप लोग करके अगर कहीं इस प्रकार की सूचना है तो पुलिस को या सबको
दिया जाए उस समय, ताकि तत्काल उसको हम लोग पहुँच कर उसे समाप्त कर सके, चाहे आपके मदद से भी हो जाए। अब आप लोग का भी सुझाव और विचार मंत्री थे, आप लोग अपना डीजे पर पूर्ण पर जो है अनुमति जो है सब स्पीकर साहब और मंडल पदाधिकारी देंगे। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है, एकदम मैंने क्लियर हर समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के। बजाने वाले पर क्या कार्रवाई हो सकती है? एकदम कार्रवाई है, बजाने वाले पर होगा और समारोह के जो आयोजक होंगे दोनों पर होगा, डीजे भी जब्त होगा, तीनों चीज़ होगा। डीजे भी जब्त किया जाएगा, जो उसके होस्ट है उनका साउंड बॉक्स छोटा छोटा बजा दूसरों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और विशेष को दिक्कत नहीं है, उससे डीजे का मतलब होता है ना कि इतना साउंड का इंटेंसिटी रहता है कि बच्चा ऊँचा अश्लील गाना पार्टी वाला बजेगा तो उसमें कार्रवाई होगी। गाना है वही लेके बजा के एकदम एमसीसी का उसमें केस हो जाएगा, एमसीसी एकदम लागू है और उसको कड़ाई से पालन करना। गाना भी इतना अश्लील गाता है ना, उस पर अच्छा नहीं लगता। छोटा छोटा बच्चा आगंतुक एवं प्रबुद्ध लोग शांति समिति में स्वागत है। होली एक महापर्व है हिंदू का, और हम लोग जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है, खुशी का माहौल रहता है सभी के घरों में, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं। तो एक हिंदू धर्म में अच्छा त्यौहार माना जाता है, और इस त्यौहार के अवसर पर हम सबों को सुरक्षा या विवाद इस सबको भी ध्यान में रखकर इसको मनाना है, ताकि कहीं कहीं से कुछ प्रकार का प्रिय घटना किसी घर में न हो जाए, चाहे किसी व्यक्ति को न हो जाए। होली के अवसर पर लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं, इससे अवगत होना है। अधिकांश लोग होली में एक दूसरे से मिलने जाते हैं, शराब के नशे में जाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं, तो इस सब पर भी ध्यान हम सभी को रखना है कि कोई व्यक्ति शराब पी के वाहन न चलाए। और शराब का निर्माण भी अधिकांश लोग देसी शराब का करते हैं, बहुत स्तर पर लोग किया जाता है होली के स्तर पर। तो जो भी सूचना अगर हो कहीं बन रहा है शराब, चाहे कहीं शराब रखा गया है, तो पुलिस को सूचना दी जाए, उनकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। अभी हाल में मुसरी घराड़ी थाना में स्प्रिट बरामद हुआ है, बनाने वाला अंग्रेजी शराब वहाँ बनता है, सब कुछ सब लोग पेपर में देखे होंगे, ये चर्चा का विषय है। तो आप लोग देखिए रहे कि कितना गलत तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है, क्या मिलाया जाता होगा, क्या नहीं मिलाया जाता होगा, इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। बहुतायत स्तर पर लोग बिजनेस करते हैं इस समय, और लोग कुछ भी लेकर पी लेंगे और उसके जान माल की हति होगी। तो इसके लिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि शराब का सेवन ना करें। हमारे जो भी थाना क्षेत्र के जो भी लोग हैं, अगर कोई कर रहा है तो पुलिस को सूचना दे, अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो उसकी भी सूचना दे। और होलिका दहन, होली से पहले होलिका दहन होता है, तो ऐसे कहीं क्षेत्र होता है जहाँ होलिका दहन हो रहा है और उस स्थल पर विवादित है, तो उसकी भी सूचना हमें दी जाए। अगर जनप्रतिनिधि देते हैं, चाहे हम अपने चौकीदार के माध्यम से भी बोल दिए हैं, चाहे जैसे ट्रांसफार्मर होता है कहीं, और वहाँ बिजली होलिका दहन होता है, जलने से फिर वहाँ आग लग जाती है, बहुत प्रकार की समस्या होती है। इस तरह की समस्या न इस बिंदु पर मेरे हमें आग्रह है कि आप लोग हमें सूचना दें, चाहे किसी माध्यम से दें।